व्यू पॉइंट से आपको पूरा सब चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो है डुडुमा वाटरफॉल है, बाकी इस तरफ दिख रहा है वो पावर हाउस है जहाँ पे टरबाइन वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है वहाँ। अभी कुछ तो बोलो, कुछ तो एनी आइडिया अबाउट दिस? हम लोग अभी जा रहे हैं एक दोस्त के साथ और मेरी वाइफ है मेरे साथ। उड़ीसा का एक वाटरफॉल आप लोग जानते हैं जो कि मास्कुन वाटरफॉल है। वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ कि रिवर के वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। बाकी इसकी नज़ारा आप देख सकते हैं कितनी अच्छा है, पूरा नेचुरल ब्यूटी से पूरा फुलफिल है ये एरिया, जैसे कि नदियाँ और आसपास की माउंटेन है वो सब। बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसका सीनरी इतना अच्छा इसलिए है कि जो एरिया पूरा एरिया है पूरा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन फील्ड है, सब जगह पूरा पेड़ ही पेड़ लगा हुआ है। ये जो रास्ता जा रहे हैं ये थोड़ा मेन रोड से मास्कुन जाने के लिए रोड है, लगभग 500 किलोमीटर होगा। इस रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ख़राब आ रहा है। क्या हुआ? कुछ कर पाई नहीं, कैन नॉट डू एनीथिंग। But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. Yeah, Odisha ka sabse bada waterfall, Duduma waterfall. ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ से। बाकी नीचे जो है वो पावर हाउस है ना। मास्कुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ये दिख रहा होगा आपको, ये है व्यू पॉइंट से आपको पूरा सब चीज साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो है डुडुमा वाटरफॉल है, बाकी इस तरफ दिख रहा है वो पावर हाउस है जहाँ पे टरबाइन वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है वहाँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यू कम टू प्लीज कम। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो एनी आइडिया अबाउट दिस? रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिल गया था, व्यू पॉइंट में थोड़ा फोटो खींचे और आपको दिखा रहे थे कि वो सीनरी जो आपको दिखाएंगे बाद में कि मास्कुन वाटरफॉल क्या है और उसमें कैसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। बाकी अभी के लिए इतना देखिए कि उसका नज़ारा बस इतना सही। गेट से एंट्री होने के बाद तो एक छोटा सा पार्क नीचे में, उसमें जा रहे हैं अभी। वहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कैमरा रहने के लिए और फोटो खींचने का भी रिस्ट्रिक्शन है। ये मास्कुन रिवर है और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के बीच में आता है। इसमें 70% आंध्र प्रदेश का है और 30% ओडिशा का है और यहाँ पे पावर भी जनरेट होता है। मैं पावर जनरेट आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो आप दिख रहे हैं इसमें वो टरबाइन से निकलता हुआ पानी आप देख रहे हैं, इसका अंदर टरबाइन है, 4 टरबाइन इसके अंदर है। बाकी कैमरा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो सब आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा पानी कितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि जो पानी फॉल से आ रहा है टोटल पानी वही टरबाइन के अंदर से आ रहा है और इसी टरबाइन से वो पावर जनरेट होता है। इसी पावर को इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं डायनामिक के जरिए से और उसको यूज़ करते हैं डेली यूजर्स के लिए।
इसका नज़ारा दिखाएंगे आपको। देखिए कितना ब्यूटी, वो जो देख रहे हैं एंट्री गेट है। बाकी इसका फ्रंट व्यू मैंने कैमरा से लिया था, फ्रंट व्यू ऐसे है। और आपको दिख रहा होगा जो ऊपर से लगा हुआ है पाइप है, उसी पाइप के अंदर से पूरा वाटरफॉल से पानी आता है। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before.